हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पे। मैं आया हूँ यहाँ पे शिरडी को, जहाँ पे होने वाला है पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का 3 दिन का शिविर, जो खेती के रिलेटेड होगा, नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड होगा। और जल्द ही आपको पता चलेगा कि ये किस किस बारे में होने वाला है, इसलिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, तब तक मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे शिरडी का आश्रम दिखाता हूँ। ये है शिरडी के साईं बाबा का, यहाँ का शिरडी का आश्रम। देखिए सब तरफ झाड़ी है, झाड़ियाँ दिख रही है, हरियाली है। और ये वो बिल्डिंग्स है जहाँ पे मैंने कल शाम को स्टे किया था, और कल मैं दर्शन भी लेके आया। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे चाय पीने। ये देखिए लाइन ही लाइन लगी है शिरडी आश्रम में। देखिए चाय 2 रुपए है, कॉफ़ी 3 रुपए, और दूध 3 रुपए को है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तकरीबन 400 के आसपास लोग यहाँ पे ये शिविर देखने के लिए, नेचुरल फार्मिंग का जो अब होने वाला है सुभाष पालेकर जी का, वो देखने के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग आ चुके हैं। और हम अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं साइट विजिट के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं सुभाष पालेकर जी का नेचुरल फार्मिंग का अभी शिविर होने वाला है वो देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और अब हम थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं, इसलिए बने रहिए दोस्तों। ये अब हम निकले हैं दोस्तों साइट विजिट के लिए। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांदा स्टोर करने के लिए किस तरह से ये किया है इन्होंने। अभी ये फार्म की विजिट होगी, वहाँ पे अलग अलग बढ़िया चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो बने रहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और सुभाष पालेकर सर जी भी यहाँ पे आए हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर में चलिए आगे चलिए। आपने आते वक्त देखा होगा यहाँ गन्ना है, बहुत सारी फसलें, और एक बहुत बड़ी फसल है वो है कटीली बबूल, है ना, यहाँ वहाँ बबूल दिख रही है। सॉरी, ये हरित क्रांति का परिणाम है कि भूमि बर्बाद हो रही है। आज के दिन पहला स्थान गोवाली जी के खेत को दिया है, इसका कारण है, हमें बताया जाता है कि जो पाश्चात्य राष्ट्रों से यहाँ आया वो सही है, और हमारा आया वो गलत है। 3 दिन आपको देखना है कि यूरोप अमेरिका जो कहता है वो गलत है, और सुनना नहीं, देखना भी है। ये सेब है, एप्पल, क्या बोलते हैं आप, सेब ही बोलते हैं ना, सफरचंद। दुनिया में 40% निर्यात एक्सपोर्ट चाइना करता है, सबसे ज्यादा रासायनिक खाद दवा डालता है। आप अगर हमारे फल के दुकानों में जाओगे तो आपको वहां रखे एप्पल।